Hello guys, and welcome again to the Sky High Aviation Academy, cooperated with RD Group Institute India Private Limited. So आज का नया टॉपिक है अपना टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी में हम आपको यही बताएंगे कि पैसेंजर्स टिकट्स क्या होते हैं, किस किस टाइप की फ्लाइट्स होती है, कौन कौन सी फ्लाइट कैसे क्या नाम से बोली जाती है, क्या क्या एरियाज होते हैं, क्या क्या एरियाज में फ्लाइंग करती है एयरक्राफ्ट. सो स्टार्ट करते हैं. टॉपिक भी है टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी में पहला जो चीज आती है वो आती है पैसेंजर टिकट. पैसेंजर टिकट क्या होता है? पैसेंजर टिकट represent the contract of carriers concluded between the carrier and passenger as well as being the passenger's receipt for the money paid to the ticketing issuer's agent. A ticket is an accountable document of the airline which will be carrying the passenger on their services, indicating the flights, the class of travel, the type of fare used. The ticket is therefore a very important document and essential that it is carried with the greatest care. Passenger ticket वो चीज होता है जो डॉक्यूमेंट्स होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कैरियर होता है जो एयरलाइन और एक पैसेंजर के बीच होता है. उस पैसे उस टिकट के अंदर उनकी फ्लाइट किस टाइप की है, कौन सी क्लास है, किस रेट में टिकट खरीदा गया है, कौन सी टाइमिंग के लिए टिकट खरीदा गया है, वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो हर पैसेंजर के पास होता है एयरपोर्ट में एंटर करने के लिए और ट्रेवल करने के लिए. वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबसे हाईएस्ट स्केल पे यूज किया जाता है. सबसे ज्यादा उसकी पैसेंजर उसी की करते हैं क्योंकि विदाउट टिकट यू नो कि ना फ्लाई होती है ना एयरपोर्ट में एंट्री होती है. सो उसे हम कहते हैं इस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पैसेंजर टिकट. और पैसेंजर टिकट इस टाइप में हर एयरलाइन में जहां जहां आपको एयरपोर्ट में दिखाने की जरूरत पड़ती है आपको उस जगह पे आपको पैसेंजर टिकट शो करना पड़ता है. सो ग्राउंड स्टाफ का भी इसमें इंक्लूडेड काम आता है कि वो भी पैसेंजर के टिकट चेक करते हैं. सिक्योरिटी एरिया में भी टिकट चेक होते हैं. फिर जो ऑनलाइन टिकट्स होते हैं उसको ओपन बोर्डिंग पास चेक करने कन्वर्ट करने के लिए भी पैसेंजर टिकट काम आता है. फिर नेक्स्ट होता है फ्लाइट. ये हो गया पैसेंजर टिकट कि पैसेंजर टिकट क्या होता है. अब आती है फ्लाइट. एक फ्लाइट क्या होती है? हमने एयरक्राफ्ट देखा है, एयरलाइन देखी है, बट फ्लाइट किसे कहते हैं वो चीज. नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट थिंग इज फ्लाइट. An aircraft movement from its point of origin to its final destination. एक aircraft है, उसका origin point से लेके final destination तक, जैसे ये aircraft है यहाँ पे, इसका यार origin point से fly करके destination तक पहुँचना, ये माना ये दिल्ली है और ये जयपुर है. तो ये हो गया इसका ओरिजिन पॉइंट, ये हो गई इसकी डेस्टिनेशन. सो यहां से लेके यहां तक की जो एरिया को हम इसको कहते हैं फ्लाइट. इस टाइम को ये एयरक्राफ्ट यहां से उड़ने की स्थिति, यहां से ओरिजिन पॉइंट से लेके डेस्टिनेशन तक जाने तक की चीज को अपन कहते हैं फ्लाइट. दैट मींस एक एयरक्राफ्ट मूवमेंट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन. होप यू विल अंडरस्टैंड. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का मूवमेंट जो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट डेस्टिनेशन पॉइंट तक जो फ्लाइट गई है, जिस मूवमेंट को हम पर फ्लाइट कहेंगे. नेक्स्ट इज पैसेंजर फ्लाइट. फ्लाइट में भी किस टाइप की फ्लाइट होती है, किस कितने टाइप की फ्लाइट उड़ती है उससे अपन कहते हैं. अगला है पैसेंजर, इसका पार्ट है पैसेंजर फ्लाइट. A certified aircraft operated by qualified crew carrying passenger and freight from one place to another place. एक ऐसा certified aircraft जो official crew से के साथ भरा हुआ होता है, जो कि passenger को carry करते हुए एक point से एक place से दूसरी जगह ले जाता है, उसे अपन कहते हैं passenger flight. इसका मतलब होता है कि passenger flight के अंदर crew members pilot होते हैं जो flight उड़ाते हैं, वो पैसेंजर को कैरी करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे अपन कहते हैं पैसेंजर फ्लाइट. सो नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल फ्लाइट नंबर टू.
Instruction flight. INSTRUCTIONAL. Instruction flight. Instruction flight means a certified aircraft flown by a qualified pilot in instruction training to other trainee pilot. एक ऐसा सर्टिफाइड एयरक्राफ्ट जो क्वालिफाइड पायलट के द्वारा उड़ाया जाता है किसी अदर ट्रेनी पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए. इंस्ट्रक्शन फ्लाइट में जैसे कोई नया पायलट आया है और उसे ट्रेनिंग देने के लिए जो क्वालिफाइड ऑलरेडी पायलट है जो कई सालों से फ्लाइंग कर रहा है फ्लाइट उड़ा रहा है वो किसी नए ट्रेनी पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए जो फ्लाइट उड़ाता है उसे अपन ट्रेनी फ्लाइट कहते हैं. नेक्स्ट आता है चेक फ्लाइट. Check flight. Flight operated by a qualified pilot from checkpoint to conduct the efficiency. Efficiency that means एक ऐसे flight जो qualified pilot द्वारा checkpoint से efficiency check करने के लिए जैसे कि नया aircraft आया है उसकी efficiency जैसे अपनी नई गाड़ी आती है तो अपन check करने के लिए अपन कहीं पे घूमने जाते हैं थोड़ा सा उसको check करने के लिए थोड़ा सा और मार के आते हैं उसमें अपन check करते हैं कि गाड़ी ठीक है कहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसकी इफिशियंसी क्या है वो माइलेज क्या देती है किस स्पीड में होती है उस चेक करने के लिए अपन गाड़ी नई गाड़ी थी उसको भी अपन ले जाते हैं. तो ये इसमें चेक फ्लाइट में होता है कि कोई भी नई फ्लाइट खरीदी गई है किसी एयरलाइन द्वारा तो उसको एक पायलट ट्रेनिंग पायलट या कोई भी क्वालिफाइड पायलट जाके उनको टेस्ट करेगा उसको कहते हैं अपन चेक फ्लाइट. चेक करने के लिए चेक फ्लाइट में चेक करने के लिए. फिर आती है शेड्यूल फ्लाइट. Number four. SCHEDULE, scheduled flight. Scheduled flight means flight with certified aircraft and the flight details are in the aircraft schedule. एक ऐसी सर्टिफाइड फ्लाइट जिसका शेड्यूल एयरक्राफ्ट शेड्यूल किसी मेन्यू पे डिटेल्स में लिखा हो दैट मींस किसी फ्लाइट का शेड्यूल फिक्स है कि फ्लाइट 11 बजे उड़ेगी दैट मींस 11 बजे ही उड़ेगी. एक शेड्यूल फ्लाइट फिक्स होती है जिसको अपन कहीं पे भी टाइम शोवर किया जाता है कि ये फ्लाइट अब इस टाइम से उड़ेगी उस टाइम से अलावा कहीं भी कभी नहीं उड़ेगी. तो फिक्स शेड्यूल की टाइम की जो फ्लाइट होती है जो फिक्स शेड्यूल टाइम पे ही उड़ेगी उससे अपन कहेंगे शेड्यूल फ्लाइट. नेक्स्ट आता है चार्टर फ्लाइट. Certified aircraft flown on a revenue flight which does not come in the preview of flight. Charter flights आप समझ गए होंगे कि ऐसी flight जो revenue generate करती है ऐसी flight होती है लेकिन वो preview of the flight में नहीं आती. क्यों? क्योंकि वो charter flight कभी भी उड़ सकती है किस time पे उड़ सकती है एक personal चीज के लिए उड़ती है. charter flight इसको कोई भी बड़ी company या कोई बड़ा मालिक जस्ट लाइक मुकेश अंबानी शाहरुख खान अमिताभ बच्चन ये लोग अपनी पर्सनल कहीं पे इवेंट अटेंड करने के लिए कहीं पे कुछ जाने के लिए देखो वो इनके पास टाइम भी होता है कि एक शेड्यूल फ्लाइट का वेट करिए किसी एयरलाइन का वेट करिए तो अपने चार्टर फ्लाइट में जाने को प्रेफर करते हैं. तो ऐसी फ्लाइट होती है जो रिवेन्यू जनरेट करती है बट इस शेड्यूल फ्लाइट या इनकी कैटेगरी में नहीं आती. तो चार्टर फ्लाइट का बहुत सारे जगह पर नाम सुना होगा. चार्टर फ्लाइट लेके कोई भी सेलिब्रिटी कहीं भी जाता है वो तो चार्टर फ्लाइट होती है. कुछ सेलिब्रिटी जस्ट लाइक विराट कोहली जो और भी करते हैं बहुत सारे इंडिया में जो है उनकी खुद की पर्सनल चार्टर फ्लाइट होती है उसे अपन चार्टर फ्लाइट कहते हैं. नाउ फेरी फ्लाइट. Ferry flight, a non-revenue flight of aircraft from one place to another place. एक ऐसी फ्लाइट होती है जो रिवेन्यू जनरेट नहीं करती बट एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक उड़ती जरूर है. ये फ्लाइट इस टाइप की फ्लाइट होती है जस्ट लाइक कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई कहीं पे कुछ नेचुरल चीजें हो गई जैसे कहीं बाढ़ कहीं बादल का फटना ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जहां से लोगों को निकालना बहुत जरूरी होता है. तो वहां गवर्नमेंट या कुछ एयरलाइंस जो होती है वो अपनी खुद की एक ह्यूमन कॉज के लिए एक फ्लाइट चलाती है उसे फेरी फ्लाइट कहते हैं जो कि पैसे नहीं लेती है रिवेन्यू जनरेट नहीं करती बट वो फ्लाइट उड़ती जरूर है उसे अपन कहते हैं फेरी फ्लाइट.
सो आज तक हमने सीखा है फेरी फ्लाइट है. सो नेक्स्ट सेशन में अपन आगे कौन कौन सी फ्लाइट करेंगे, डिले फ्लाइट, रिलीफ फ्लाइट, टेस्ट फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट, जॉय राइड, देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न हियर. सो ये अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे. यहां तक हमने किया है पैसेंजर टिकट, व्हाट इज फ्लाइट, व्हाट काइंड ऑफ फ्लाइट देयर आर, पैसेंजर फ्लाइट, इंस्ट्रक्शन फ्लाइट, चेक फ्लाइट, शेड्यूल फ्लाइट, चार्टर फ्लाइट एंड फेरी फ्लाइट. सो नेक्स्ट सेशन में दूसरी फ्लाइट के बारे में चलिए. टिल देन ये रिवाइज कीजिए, उसमें नॉलेज लीजिए और कोई भी क्वेश्चन पुट अप करें तो यू कैन आस्क मी एनीवेयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.